जरा सोचो, एक दिन तुम स्कूल जाओ और तुम्हारी ही क्लास के कुछ लोग वहां कब्जा करे बैठे हैं और जो भी उनके रास्ते में आया बच नहीं पाएगा। कहानी की शुरुआत में हम जोई नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसकी माँ हाल ही में कैंसर की वजह से चल बसी थी और इसी वजह से वो काफी गुमसुम रहती थी। एक दिन वो अपने पिता टॉड के साथ शिकार खेलने गई। उसके पिता ने एक हिरन को गोली मार दी लेकिन वो उसी वक्त मरा नहीं। अब उनके पास दो रास्ते हैं, या तो वो हिरन को तड़पने दें या फिर एक पल में उसकी तकलीफ खत्म कर दें। अभी टॉड सोच ही रहा था कि जोई ने एक भारी पत्थर से हिरन को खत्म कर दिया। टॉड ये देखकर हैरान रह गया कि जोई को उस हिरन पर दया ही नहीं आई, लेकिन वो जानता था कि इसकी वजह उसकी माँ के जाने का दर्द ही है। इसके बाद नाश्ते के वक्त जोई को हमेशा की तरह अपनी माँ दिखाई दी और देखते ही देखते दोनों बातें करने लगी। जोई जानती थी कि ये पागलपन भरी बात कोई नहीं मानेगा, इसलिए उसने किसी को नहीं बताया। थोड़ी देर बाद उसका खास दोस्त लुईस उसे स्कूल ले जाने के लिए घर आ पहुंचा। रास्ते में कुछ शरारती लड़के उन्हें परेशान करने लगे जिससे उनकी गाड़ी सड़क से उतर गई। उसी वक्त जोई को अपनी क्लास से क्रिस नाम का एक लड़का दिखाई दिया जो खेत में कुछ दफना रहा था। जोई को ये अटपटा लगा, लेकिन क्रिस अक्सर ऐसी अजीबोगरीब हरकतें करता रहता था तो उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लंच में जब जोई बाथरूम गई तो उसने एना नाम की एक लड़की को छत में कुछ छिपाते हुए देखा। उसके जाने के बाद जोई ने चेक भी किया लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। आज पूरे शहर में कई जगह धमाके हो रहे थे, लेकिन ये सब ऐसी जगहों पर थे जहाँ जान माल का कोई नुकसान न हो। शहर की पुलिस और डॉक्टर्स उनसे निपटने में लग गए और उधर स्कूल की कैंटीन में अचानक एक वैन कांच का दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुस आई। सुबह क्रिस नाम के जिस लड़के को जोई ने देखा था वो वैन से उतरा और एक आदमी को गोली से उड़ा दिया। उसके साथ उसके तीन और साथी थे, क्रिस की बहन एना, किप नाम का एक लड़का जिसे सब बेवकूफ बुलाते थे, और उनका लीडर ट्रिस्टन। इन्हीं लोगों ने शहर में बॉम्ब लगाए थे ताकि पुलिस का ध्यान भटके और ये सब स्कूल में गोलीबारी कर सकें। उन्होंने उसी वक्त कुछ लोगों को गोली मार कर अपना दबदबा बना लिया और बाकी सब अपने आप ही शांत हो गए। जोई बाथरूम से बाहर निकल रही थी कि खून से सनी एक लड़की अंदर घुसकर मदद मांगने लगी। जोई घबराहट के मारे कुछ नहीं कर पाई और उस लड़की ने उसकी बाहों में दम तोड़ दिया। जोई ने धीरे से बाहर निकल कर कैंटीन से आ रही आवाजें सुनी। ट्रिस्टन वहां मौजूद सभी लोगों से कह रहा था कि वो सब उसके बंदी हैं और उन्हें उसकी हर बात माननी होगी। उसे एक लड़का दिखा जो हमेशा उसे परेशान किया करता था और तभी क्रिस ने उसे गोली मार दी। फिर ट्रिस्टन ने उसे कहा कि जब इजाजत हो तभी गोली चलाए। थोड़ी देर बाद जब कि बाथरूम को चेक करने आया तो जोई फटाफट छत वाली जगह में छिप गई और आगे बढ़कर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। उधर ट्रिस्टन ने एक लड़की को अपनी माँ को फोन करने को कहा। लड़की ने अपनी माँ को रो रो कर सारी बात बताई और उसकी माँ ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। इसके बाद ट्रिस्टन ने घोषणा की कि अब पुलिस को पता चल चुका है तो कोई ज्यादा चालाक बनके पुलिस को फोन करने की कोशिश ना करे, क्या है ना, कोई फायदा ही नहीं है। उसने आखिरी बार सबको अपने माँ बाप से बात करने की इजाजत भी दे दी। फिर सबने भरे दिल से आखिरी बार अपने घर वालों को अलविदा कह दिया। जब जोई किचन के ऊपर से गुजर रही थी तो छत टूट गई और वो सीधा नीचे गिरी। उसके गिरने की आवाज सुनते ही क्रिस वहां आ गया और जोई तुरंत कहीं छिप गई। तभी किचन में काम करने वाली औरत वहां आई और जोई को बचाने के लिए खुद गोली का शिकार हो गई। जोई का रो रो कर बुरा हाल था। इसके बाद ट्रिस्टन ने स्कूल की क्लर्क को फोन करके मरे हुए लोगों की जानकारी दी, लेकिन उसे ट्रिस्टन की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। फिर भी उसने सिक्योरिटी गार्ड और प्रिंसिपल को इसकी खबर दे दी। उधर जोई पीछे के दरवाजे से स्कूल से बाहर निकलने में कामयाब हो गई। उसे कुछ बच्चे मिले जिन्हें उसने पूरी बात बताई। स्कूल के अंदर ट्रिस्टन ने सभी लोगों को वीडियो बनाने को कहा क्योंकि वो चाहता था कि आज स्कूल में जो भी होगा उसे सब देखें। उसने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स को भी चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी उसकी डाली हुई वीडियोस को हटाया तो वो और लोगों को मारेगा। उसी वक्त स्कूल का प्रिंसिपल वहां पहुंचा। ट्रिस्टन ने उसे अंदर बुलाकर पूछा कि क्या वो जानता है कि ट्रिस्टन ये सब क्यों कर रहा है। तब प्रिंसिपल ने कहा कि पिछले हफ्ते उसने ट्रिस्टन को दो बार अपने ऑफिस में बुलाकर बेइज्जत किया था क्योंकि वो हर बार फेल हो जाता है। इसके अलावा ट्रिस्टन को स्कूल में कई बार मारा पीटा और परेशान किया गया था। प्रिंसिपल ने उसे शांत करने की कोशिश की लेकिन बेरहम ट्रिस्टन ने उसे गोली मार दी। क्योंकि लुईस के सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स थे तो ट्रिस्टन ने उसे सामने आकर सब कुछ रिकॉर्ड करने को कहा। स्कूल में मौजूद बाकी लोगों को बचाने के लिए जोई फिर से स्कूल के अंदर घुसी। वो हर क्लास में जाकर बच्चों को सावधान करने लगी, लेकिन एना ने उसकी आवाज सुन ली और उसके पीछे आ पहुंची।
जोई ने भागने की कोशिश की लेकिन एना ने उसकी टांग पर गोली मार दी। वो लड़खड़ाते हुए टीचर्स के कमरे में पहुंच गई जो गुब्बारों से भरा था। वो वहीं छिप गई और उसने मौका देखकर एना पर हमला कर दिया। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो गई और इसी लड़ाई में गोली चलने से एना मारी गई। जब पुलिस को ट्रिस्टन के घर का पता मिला तो वहां जाकर उन्होंने देखा कि उसकी माँ सोफे पर मरी हुई थी। लाश को देखकर लग रहा था कि जैसे वो कई दिनों से ऐसे ही पड़ी हो। पुलिस वालों को यकीन था कि ट्रिस्टन ने ही अपनी माँ को मारा था। उधर स्कूल में ट्रिस्टन क्रिस को लीडर बनाकर स्पेनिश क्लास की ओर बढ़ गया। उसने टीचर को अपने कपड़े उतारने को कहा। बच्चों की जान बचाने के लिए टीचर को मजबूरन कैमरे के सामने कपड़े उतारने पड़े जहां लाखों लोग उसे देख रहे थे। जब टॉड को हमले की खबर मिली तो वो तुरंत बाकी माँ बाप की तरह स्कूल पहुंचा। हमने देखा कि क्रिस को अपने दिमाग में ही कुछ आवाजें सुनाई देने लगी जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दिमागी तौर पे पूरी तरह ठीक नहीं है। इन्हीं आवाजों के चक्कर में क्रिस बिना बात के बाहर खड़ी पुलिस पर गोलियां बरसाने लगा। गोलियों की आवाज सुनकर ट्रिस्टन स्पेनिश टीचर और बच्चों के साथ कैंटीन में आ गया। उधर किप ने स्कूल में छुपी हुई जोई को देख लिया और वो उस पर गोलियां चलाने लगा। बचते बचाते वो एक हॉल में पहुंची जहां उसने आग बुझाने वाले सिलेंडर से किप के सर पर जोरदार वार करके उसे बेहोश कर दिया। वो उसे खींच कर स्कूल के ऑडिटोरियम में ले गई और एक कुर्सी से बांध दिया। उसी वक्त उसे फिर से अपनी माँ दिखाई देने लगी। उसकी माँ ने कहा कि वो इस दुनिया को छोड़कर पूरी तरह जा नहीं पा रही क्योंकि जोई ने उसकी मौत को स्वीकार नहीं किया है। जब किप की आंख खुली तो उसने जोई को खुद से बातें करते देखा। उसे लगा कि वो भी उनके ही जैसी है। उसे होश में आया देखकर जोई ने उससे पूछा कि वो ये सब क्यों कर रहा है। किप ने बताया कि कुछ शरारती लड़कों ने उसे असेंबली में सबके सामने नंगा कर दिया था और उस घटना के बाद से आज तक लोग उसकी पीठ पीछे हंसते हैं। जोई ने गुस्से में उसे समझाया कि पागल वागल है क्या तू। हो सकता है वो लोग इसलिए हंस रहे थे क्योंकि वो खुश हों, और जब सबको पता चलेगा कि इतने बेकसूर लोगों को तूने मारा है तब तो उस असेंबली वाली घटना के बारे में कोई बात ही नहीं करेगा, है ना। ये सुनते ही किप को एहसास हुआ कि ये लड़की कह तो बिल्कुल सही रही है और ट्रिस्टन ने उसे उल्टी सीधी बातें समझाकर अपने झांसे में ले रखा था। फिर जोई ने बाहर आकर किप की बंदूक उठाई और वहीं से एक टीचर अपनी क्लास के बच्चों को बाहर ले जा रही थी। उसे लगा कि जोई भी हमलावरों में से एक है लेकिन जोई ने उसे जल्दी से सब कुछ समझा दिया। जोई ने उन सबको सही सलामत बाहर निकालने में मदद की लेकिन खुद औरों को बचाने के लिए अंदर चली गई। टीचर भी उसके साथ लाइब्रेरी की ओर चल पड़ी। वहीं कुछ बच्चों ने टॉड को बताया कि उसकी बेटी ने बहुत से लोगों को सही सलामत बाहर निकाला है लेकिन वो खुद अभी भी स्कूल के अंदर है। अंदर ट्रिस्टन को भनक लग गई कि कोई तो बच्चों को स्कूल से बाहर निकालने में मदद कर रहा है। जब उसने एना को कॉल किया तो जोई ने फोन उठाकर बताया कि उसने एना को मार दिया है। ट्रिस्टन ने जोई को 5 मिनट के अंदर अंदर कैंटीन में आने को कहा, नहीं तो वो एक एक करके सबको मार देगा। टॉड ने भी ये सब लाइव स्ट्रीम पर देखा और अपनी बंदूक बाहर निकाल ली। वो अब पुलिस के भरोसे ना बैठकर खुद ही अपनी बेटी को बचाने निकल पड़ा। उधर जोई किप के पास गई जिसका दिल पछतावे से भरा हुआ था। जोई ने आसानी से उसे अपनी तरफ ले लिया और उसे बंदूक देकर कैंटीन की ओर जाने लगी। वो बिना डरे ट्रिस्टन के सामने खड़ी हो गई और पीछे से किप भी उसे बचाने के लिए आगे आ गया। किप को उसकी तरफ देखकर ट्रिस्टन हंसने लगा। तभी दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई और मौका देखकर क्रिस ने किप को मार डाला। वहीं जोई और लुईस भाग निकले और क्रिस उनका पीछा करने लगा। कुछ देर बाद लुईस ने बताया कि शूटआउट के दौरान उसे भी एक गोली लग गई थी। जोई ने उसे शांत करके चूमते हुए कहा कि वो इस साल की डांस पार्टी में उसी के साथ जाएगी, तो मरने के बारे में तो सोचियो भी मत। फिर वो क्रिस को भटकाने के लिए भाग गई और केमिस्ट्री लैब में जाकर एक गैस छोड़ दी जिससे वहां धमाका हो गया। टॉड अब स्कूल के पीछे वाली झाड़ियों में छिपा हुआ था। स्कूल के अंदर क्रिस ने जोई को ढूंढ निकाला और वो उसे मारने ही वाला था कि टॉड ने उस पर गोली चला दी। कानून को अपने हाथ में लेने की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया और वो खुश था कि उसने अपनी बेटी की जान बचा ली। फिर जब ट्रिस्टन ने क्रिस को कॉल किया तो इस बार फिर से जोई ने फोन उठाया। जोई को उसकी माँ भी दिखाई दे रही थी जिसने उसमें लड़ने का जोश भर दिया। जब जोई ने ट्रिस्टन को बताया कि क्रिस भी मर चुका है तो अपना प्लान बर्बाद होते हुए देखकर वो वैन में चला गया और एक बॉम्ब का बटन दबा दिया। उधर जोई बार बार ये कहकर कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई है उसे चिढ़ा रही थी। वो कहने लगी कि ट्रिस्टन चाहता था कि सब उसे जाने लेकिन उसकी बजाय लोग जोई को याद रखेंगे जिसने अकेले ही सारे हमलावरों को खत्म कर दिया। ये सुनते ही ट्रिस्टन का दिमाग सनक गया और वो एक लड़के को पकड़कर छत पर चला गया।
फिर जोई फटाफट कैंटीन में आई जहां बॉम्ब फटने में सिर्फ 40 सेकंड बचे थे। उसने जल्दी से बंदी बनाए हुए सभी लोगों को आजाद कर दिया और वैन का रिवर्स गियर लगाकर उसे बाहर पार्किंग में भेज दिया। खुशकिस्मती से इस धमाके में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। वो भागकर कैंटीन में पहुंची जहां एक पुलिस वाले ने उसे बचा लिया। उस पल में उसकी माँ उसे अलविदा कह गई क्योंकि जोई ने आखिरकार अपनी माँ की मौत का सच अपना लिया था। इसके बाद इंस्पेक्टर ने जोई को उसकी बहादुरी के लिए शाबाशी दी। उन्होंने बताया कि एक धमाके में ट्रिस्टन की मौत हो गई। फिर जोई अपने पिता से मिली जिसे पुलिस ने पकड़ रखा था। अचानक जोई की नजर एक अनजान आदमी पर गई जो स्कूल से निकल रहा था। उसे शक हुआ कि शायद ये ट्रिस्टन है। वो अपने पिता की बंदूक लेकर उसके पीछे निकल पड़ी। उस आदमी ने एक नदी किनारे दबे हुए पैसे निकाले और हमने देखा कि जोई का शक बिल्कुल सही था। ये ट्रिस्टन ही था जो अपनी मौत का नाटक करके बच निकला था। जोई ने तुरंत उसकी छाती पर गोली मार दी। पास जाकर उसने देखा कि ट्रिस्टन अभी मरा नहीं था, लेकिन हिरन की तरह जोई को उस पर तरस नहीं आया और उसने ट्रिस्टन को यूं ही तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। आखिरकार वो वापस आ गई और इंस्पेक्टर को सब सच बता दिया। अगर तुम ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ तो डरकर भाग जाओगे या डटकर सामना करोगे? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।